नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट, चीज़ केक, जिसे हम बनाएंगे पनीर और जैगरी शुगर से। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में दूध डालकर दूध को उबाल लेंगे। बीच बीच में दूध को स्पैचुला से हिलाते रहेंगे ताकि दूध बॉटम से ना लगे। इस बीच में एक बर्तन में छाननी रखकर चीज़ क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ रखेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो फ्लेम ऑफ करके नींबू का रस डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में दूध फिट जाएगा और दूध में से पनीर बिल्कुल अलग हो जाएगा और वे वाटर अलग हो जाएगा। तो बस अब इसे छान लेंगे। तो जो ये पानी निकला है यानी कि जो वे वाटर है, इसे फेंकना नहीं होता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसे आप आटा गूंदने में या बाकी कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पनीर को साफ और ठंडे पानी में डालकर वॉश कर लेंगे ताकि इसका कर्डलिंग प्रोसेस भी रुक जाए और नींबू की स्मेल या जो हल्का सा खट्टापन सा आ जाता है वो भी निकल जाए। अब पनीर को इस कपड़े में बांधकर कुछ मिनट के लिए इसके ऊपर हैवी वेट डालकर रख देंगे ताकि पनीर अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पनीर बनकर तैयार है। तो अब इसे मिक्सी में क्रश करके डालेंगे। साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर वाला दूध। फ्लेवर के लिए मैंने लिया है रोज़ वाटर। यहाँ पर आप कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़ की चीनी। आप चाहें तो रिफाइंड शुगर या वाइट शुगर भी ले सकते हैं। बस इसे मिक्सी में चलाकर स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। पहले मोल्ड में थोड़ा सा देसी घी लगाकर ग्रीस करेंगे। अब हमारा स्मूथ बैटर इसमें पोर करेंगे। अब इसे बेक करने की जगह पर मैं इसे स्टीम कर रही हूँ, जिसके लिए किसी पैन में या कढ़ाई में पानी को उबलने रखेंगे ढक्कन लगाकर, और उसमें वायर स्टैंड लगा लें या मेरी तरह से ढक्कन लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर ये प्लेट को रख देंगे और ढक्कन लगाकर करीब 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। बीस मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ निकला है। इसका मतलब हमारा चीज़ केक या पनीर केक बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इसमें गुड़ की चीनी डाली है इसलिए इसका फ्लेवर कैरमल फ्लेवर है। आप चाहें तो रिफाइंड शुगर डालकर इसमें कार्डमम पाउडर डालिए, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। Yeah.